बिहार में इस वक्त चमकी बुखार ने कहर मचा रखा है, जिसमें काफी मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। इस खतरनाक बुखार की चपेट में आए अब तक करीब 14 मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं 38 की हालत नाजुक बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 5 बच्चों की मौत हुई है। चिकित्सकों ने परिजनों के बच्चों का विशेष ख्याल रखने की अपील करते हुए 2 से 3 बार स्नान करने की सलाह दी है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये बीमारी है क्या और इसके लक्षण क्या हैं और क्या है इसके बचाव करने के उपाय। AES एक्यूट इंसेफेलिटिस सिंड्रोम और JEE जापानी इंसेफेलिटिस को उत्तरी बिहार में चमकी बुखार के नाम से जाना जाता है। इससे पीड़ित बच्चों को तेज़ बुखार आता है और शरीर में ऐंठन होती है। इसके बाद बच्चे बेहोश हो जाते हैं। मरीज को उल्टी आने और चिड़चिड़ेपन की भी शिकायत रहती है। बीमारी अगर बढ़ जाए तो ये लक्षण नज़र आते हैं। बिना किसी बात के भ्रम उत्पन्न होना, दिमाग संतुलित ना रहना, पैरालाइज हो जाना, मांसपेशियों में कमजोरी, बोलने और सुनने में समस्या, बेहोशी आना। अब आपको बताते हैं कि इस बीमारी ने कहां कहां प्रकोप मचा रखा है। डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी का प्रकोप उत्तरी बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी और वैशाली में है। अस्पताल पहुंचने वाले पीड़ित बच्चे इन्हीं जिलों से हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि बुखार से बच्चों की मौत का मामला गंभीर है, साथ ही स्वास्थ्य सचिव भी नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी डॉक्टरों को अलर्ट कर दिया गया है। यदि इसके उपचार की बात की जाए तो चमकी बुखार से पीड़ित इंसान के शरीर में पानी की कमी ना होने दें। बच्चों को सिर्फ हेल्दी फूड ही दें। रात को खाने के बाद हल्का फुल्का मीठा ज़रूर दें। सिविल सर्जन SP सिंह के मुताबिक चमकी ग्रस्त बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर की कमी देखी जा रही है। फिलहाल जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद तरल पदार्थ देते रहें ताकि उनके शरीर में पानी की कमी ना हो। इन बातों का भी ध्यान जरूर रखें। बच्चों को झूठे व सड़े हुए फल खाने को ना दें। खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धुलवाएं। पीने का पानी स्वच्छ रखें। बच्चों को नाखून ना बढ़ने दें। गंदगी भरे इलाकों से दूर रखें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली।